हेलो दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी फाइन। आज की वीडियो जो है वो किसी ट्रिक के ऊपर नहीं है, ना बायोलॉजी की, ना केमिस्ट्री की, ना फिजिक्स की। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ यूथ आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो एक मोटिवेशन, एक आइडल, बहुत अच्छी वीडियो है। मैं ये नहीं कहती कि ये वीडियो बहुत अच्छी है, मैं ये कहूँगी जिस शख्सियत के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ वो शख्सियत बहुत अच्छी है। बिकॉज़ इतनी कम एज में इतनी ज़्यादा कि कोई इंसान फेमस हो सकता है, पॉपुलर हो सकता है, तो इट्स रियली वेरी वेरी अमेजिंग। बिकॉज़ जब मैंने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जब मैंने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इतनी कम एज में होने के बाद एक ऐसी लड़की जो कि अपने स्टेबिलिटी के लिए पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, और उसके बाद वो मिस वर्ल्ड बनती है। सो आई होप कुछ स्टूडेंट के दिमाग में जो थोड़ा अपडेट रहते हैं उनके दिमाग में कुछ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। एनी वन गैस? अगर आप लोगों ने इस वीडियो से अभी तक गैस कर लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ऑलरेडी इनके बारे में पता था। पर जिनको नहीं पता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। सो आज मैं बात कर रही हूँ मानुषी छिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड बनी है 2017 की। आप देख सकते हैं वीडियो में भी दिख रहा है, टॉपर हैं इन CBSE 12th। ठीक है, मिस हरियाणा बन चुकी है लास्ट ईयर 2016 में। क्लियर किया था इन्होंने AIPMT सिर्फ एक अटेम्प्ट में, और इस टाइम MBBS डॉक्टर हैं, वो भी थर्ड ईयर अपनी पढ़ाई कर रही हैं। यू कैन इमेजिन, एक पर्सनालिटी, इतनी सारी क्वालिटी, सो अमेजिंग। मिस वर्ल्ड टॉपर हैं, मिस हरियाणा, AIPMT फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज आप लोग ये सोचते हैं कि हम एक ही वे में चलें, एक ही लाइन में चलें। क्यों यार, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो आपके अंदर होंगी एक्स्ट्रा, उन सबको बाहर निकालिए। हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, मैंने आज तक देखा है कि अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके या अपने फ्रेंड्स ग्रुप के प्रेशर में आकर वो नीट या JEE की एग्ज़ाम की तैयारी करने लगते हैं, बट रियल उनका वो मोटिवेशन नहीं होता है, वो उनकी वो लाइफ नहीं होती है, ना वो चाहते हैं, बल्कि वो कुछ और चाहते हैं। उनमें कुछ और अलग ऐसा गॉड गिफ्टेड होता है जो कि जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। आप देखिए कि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, 10 से 12 लाख बच्चे बैठते हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। और एक ऐसी लाइन चुनिए जहाँ कॉम्पिटिशन ना हो, जहाँ सिर्फ एक आप हो, सिर्फ एक मोनोप्लास्टी हो, कि सिर्फ अगर ऐसे किसी का नाम सुने, मान लीजिए अगर हम अभी सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सीधे क्रिकेट। अगर हम अमिताभ बच्चन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? एक्टर। अगर हम प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक्ट्रेस। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने नाम को देखें कि ये मेरा नाम है और मेरे नाम से क्या है इस टाइम। अभी आप कुछ भी स्टैंड नहीं रखते हो, बट एक ऐसे टाइम के बाद जहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे उसके बाद आपका एक स्टैंड बनेगा, कुछ आप बन सकोगे। इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, जो मानुषी छिल्लर हैं, आपको बताया था मैंने, इन्होंने जो AIPMT का एग्ज़ाम था वो एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दे रहे हैं, ठीक है, पर वो सिर्फ ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ इनके बारे में, कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये कौन से कॉलेज में पढ़ रही हैं इस टाइम, या फिर इनके फादर मदर क्या करते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, उनके सबके बारे में बताने वाली हूँ। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को मत छोड़िए। अगर किसी को राइटिंग का शौक है, कोई लिखने में अच्छा है, किसी को डांस अच्छा आता है, या फिर किसी को खेलना, किसी का स्पोर्ट्स में ज़्यादा अगर इंटरेस्ट है, तो आप उन सबको मत छोड़िए। बिकॉज ये जो एग्ज़ाम होता है, ये जो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है लाइफ में। पर अगर आपको एक फेम चाहिए तो फेम के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैच करके चलिए। बिकॉज जो मानुषी छिल्लर है उन्होंने भी यही किया था, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये मॉडलिंग भी करती रही, और आप देख सकते हैं मिस वर्ल्ड, मिस हरियाणा। आप इनकी एज जो है इसकी 1997 में इनका जन्म हुआ था, और इतने कम टाइम में इतना कुछ पा लेना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है अकॉर्डिंग टू मी। बिकॉज़ आजकल के यूथ में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, एक ही लाइन में नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लाइन में बहुत कुछ कर सकते हैं।
ये सिर्फ मानुषी छिल्लर नहीं, बल्कि मैंने आज न्यूज़पेपर में ये भी पढ़ा था कि कुछ ऐसे डीएम और एसएसपी भी हैं, ठीक है, आईपीएस हैं, कुछ एसएसपी हैं, कुछ डीएम हैं जो डॉक्टर हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, एमबीबीएस डॉक्टर की। आप ये नहीं सोचिए कि बीएएमएस बीएचएमएस करने के बाद उन्होंने वो किया, एमबीबीएस डॉक्टर के होने के बाद उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, वो डीएम बने, एसएसपी बने। तो ये नहीं है कि सिर्फ अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी, आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ में चलनी है, बिकॉज लाइफ बहुत बड़ी है, ठीक है। लाइफ में आपको जाने क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो इट्स इनफ, क्योंकि एमबीबीएस के बाद आपको एमएस भी करना है, आपको एमडी भी करना है, ठीक है, इन सब के साथ साथ आपको अर्निंग की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो गाइज मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नीट के अलावा और भी एग्ज़ाम के अपडेट्स दूँ और भी एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस तरीके से वीडियोस बनाने की शुरुआत करूंगी, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोग नीट के लिए फोकस हैं, अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी होइए, बिकॉज़ ये आपको फेम भी दे सकता है, ठीक है, आपको पढ़ाई स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको अर्निंग मिल जाएगी, आपको मनी मिल जाएगी, बट जब आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ को देखेंगे तब तब आपकी और ज़्यादा इन्लार्जमेंट हो जाएगी, फेमस हो जाएंगे आप, ठीक है, बिकॉज़ आप लोग, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट में एम एस धोनी की मूवी देखी होगी, उसमें से आपने कुछ सीखा उस मूवी को देखने से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आजकल का यूथ है, प्लीज़ आप ऐसी मूवीज़ देखा करिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जैसे कि ये जो एम एस धोनी की मूवी थी, इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, मैंने वीडियो जब वीडियो कह रही हूँ मूवी देखी, बिकॉज उस मूवी में आप देखेंगे जब वो शुरुआत हुई थी तब वो किसी और का प्लेयर था, बट एट द लास्ट एंड जब वो फेमस हुआ तो वो किसकी वजह से हुआ, वो हुआ क्रिकेट की वजह से। ऐसे ही आप लोग हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं नीट नीट, शायद डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनना है, पर हो सकता है आपका फ्यूचर किसी और में हो, ठीक है, आप अपने गलत वे में हो। तो मैं आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको क्लियर कीजिए, खुद से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आप रियल में डॉक्टर ही बनना चाहते हैं या उसके अलावा अपनी कोई और पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो मानुषी छिल्लर, इनके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1997, ये एमबीबीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट हैं इन खानपुर मेडिकल कॉलेज, सोनीपत में खानपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर ये एमबीबीएस की स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर में अपनी पढ़ाई कर रही हैं, उसके साथ साथ इन्होंने मॉडलिंग भी करी है, मॉडलिंग के साथ ये जब लास्ट ईयर ये हरियाणा में गई तो वहाँ इनको पता चला कि वहाँ लेडीज़ जो हैं, मतलब कि वुमेंस को कोई उनकी कोई एम्पावरमेंट नहीं है, वहाँ कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर इन्होंने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, वहाँ ये मिस हरियाणा बनी, ठीक है, वहाँ पर जो गर्ल्स थी इन्होंने उनको मोटिवेट किया कुछ करने के लिए। इनके फादर मदर दोनों डॉक्टर हैं, इनके फादर डॉक्टर मित्र बसु एंड मदर डॉक्टर नीलम, ये दोनों ही डॉक्टर हैं, और वो जो है पीजीआई रोहतक में, जो पीजीआई है उसमें डॉक्टर भी रह चुकी हैं, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं इनका बैकग्राउंड भी डॉक्टर से था, ये डॉक्टर भी बनी, इनके साथ साथ इनके पेरेंट्स ने भी बोला कि आपकी पढ़ाई पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इनकी पढ़ाई पर भी इफेक्ट नहीं पड़ा, इन्होंने एआईपीएमटी का एग्ज़ाम एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया। दूसरा, इन्होंने जब सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था तो 12th में जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया तो इनके इंग्लिश में ये टॉपर रही हैं सीबीएसई में। तो गाइस मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी इन द लास्ट वीडियो कि आप अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ चलाते रहिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आप लोग जब वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो भी नीट एस्पिरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है ऑल 99 अपलोडेड वीडियोज़, इट्स टाइम 100 हो चुकी होंगी, 100 121, ठीक है, तो उनको आप ज़रूर देखिए वीडियोस को, बिकॉज़ ये कोई प्रैंक वीडियोस नहीं है, कोई फ़नी वीडियोस नहीं है कि आप उसको अगर नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बिकॉज़ अगर आप उन वीडियोस को देखोगे आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी फर्स्ट वीडियो थी NCT1 XC2, बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक है, कोडोन बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, मेनिस्ट्रुअल साइकिल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हार्मोन्स वो भी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, और ऊपर जो आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा उसमें भी मैंने कुछ ऐसे लिंक्स डाले हैं जो कि आपके लिए वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलेगा, बिकॉज डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ बेस्ट बुक्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं जिसको आप अमेजोन के थ्रू खरीद सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सोने से पहले एक बार दिमाग लगाइएगा कि क्या आप रियल में डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, और आप अगर चाहते हैं कि मैं और टाइप की वीडियोस अपलोड करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा,
जरूर।